नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में फोर्थ क्लास की भर्तियों में हो रही धांधली को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आक्रमण तेवर अपना लिए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि सहकारी बैंक में फोर्थ क्लास की भर्तियों में जमकर धांधली करने की तैयारियां हो रही हैं। जो लोग पहले से ही संविदा पर फोर्थ क्लास में नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें निकाल भार करके सहकारिता विभाग अपनी चहेतों को भर्ती कराना चाहता है। दिवाकर भट्ट ने कहा कि जब सारे बैंक घाटे में हैं और एनपीए चल रहे हैं, तो फिर यह अनावश्यक भर्तियां हो क्यों रही हैं? धांधली हो रही है, ये कोऑपरेटिव जिला सहकारी वही हुआ, कोऑपरेटिव बैंक, इनमें जिस तरह के हालात पैदा हो रहे, ये न सरकार के हित में है, न राज्य के हित में है और न यहाँ के निवासियों के हित में। ये बैंक और भी कई विभागों में है। अटल उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ क्यों चल रहा है? यहाँ गवर्नमेंट उत्तराखंड की है या उत्तर प्रदेश की है? ये सब प्रदेश के अंदर केवल उत्तराखंड सरकार का नाम आना चाहिए, या अगर भारत सरकार द्वारा कोई डोनेशन या कोई कार्य कराया जाए तो उसका आ सकता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ क्यों आता है? तो हम बहुत साफ कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी समझे और इस राज्य के अंदर जो राज्य का सोच है, राज्य की निवासियों की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उन पर काम करें। मुद्दे तो खैर आज का विशेष यही है कि जो जिला सहकारी बैंकों में जो भर्तियां चल रही हैं उसमें जिस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। सरकार अब नाम की चीज़ तो खैर है नहीं, कहीं फिर भी हम नहीं समझ पा रहे कि जिले के अंदर फोर्थ क्लास की भर्ती है, अब तो मतलब किस ब्याह पर उसकी इंटरव्यू, ये तमाम जो व्यवस्थाएँ हो रही ये क्यों हो रही? इसका तो पूरा राइट्स पहले जो है जिला अधिकारियों को था कि भाई वो अपने स्तर पर इसको करें। हमारी सरकार जब थी तब ये बनाया था कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ये तो रेस का भी दिखा रहे हैं कि जो रेस में फर्स्ट आएगा वो क्या मिलिट्री की भर्ती हो रही है? ये केवल पुराने लोगों को बाहर करने के लिए एक सीधा साधा रास्ता अपनाया जा रहा है कि जो पहले उपनल के द्वारा वहाँ लगाए गए उनको आउट करो और अपने चहेतों को भर्ती करो, यही इसमें है मुझे नज़र आ रहा था। बाकी हम सरकार को समझाना चाहते हैं ऐसा न करो, ऐसा करके वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक जगह नहीं है, कई जगह ये इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। और मैंने जैसे कहा कि अभी तो हम एक बात पर बहुत सख्ती से जो है उसको हम प्रैक्टिकल जामा पहनाने वाले हैं, इस राज्य के अंदर दो दो प्रदेशों के नाम क्यों चल रहे हैं? अभी मैं आ रहा था तो एक लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश, क्या था वो जल, उत्तर प्रदेश पानी। प्रेस वार्ता में शामिल यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने सहकारी विभाग में भर्तियों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पूरे उत्तराखंड में यह भर्तियां एक ही समय पर क्यों नहीं हो रही हैं? अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर भर्ती कराने का क्या कारण है? शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि फोर्थ क्लास की इन भर्तियों में बैंक के ही दलाल मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। जो मुद्दा है ये नियुक्ति घोटाले से संबंधित है। हमारा कहना है कि सहकारी बैंकों में आउटसोर्सिंग या संविदा पे जो फोर्थ क्लास कर्मचारी रखे गए हैं उनको साजिश के तौर पे, साजिशन उनको निकाल बाहर करके सहकारी बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो पैसे लेकर के, मोटी रकम लेकर के जो है फोर्थ क्लास पे अन्य लोगों को भर्तियां करना चाह रहे हैं। तो हमारे कुछ सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल के सवाल हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का ये कहना है कि भाई अभी तक जब ये भर्तियां सेवा मंडल के आधार पे होती थी, सेवा मंडल सहकारी बैंकों में भर्तियां करता था, तो सेवा मंडल ने ये कार्य जो है बैंकों को क्यों दे दिया? अब सारे बैंक अपने अपने अनुसार भर्तियां करेंगे, आखिर क्यों करेंगे? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जब तत्कालीन भुवन चंद्र खंडूरी भाजपा की सरकार में ही ये व्यवस्था की गई थी कि अब ऐसे पदों पर, ऐसी नियुक्तियों में लिखित परीक्षाएं होंगी, इंटरव्यू नहीं होंगे, तो यहाँ इन भर्तियों में, इन फोर्थ क्लास की भर्तियों में लिखित परीक्षा को खत्म करके सिर्फ इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? कि ताकि आप अपने चहेतों को भर सकें। इन्होंने एक और क्राइटेरिया इसमें रखा है कि 100 मीटर की जो दौड़ है वो 15 सेकंड में पूरी करनी होगी।
तो आखिर ये बताइए कि 100 मीटर की दौड़ 15 सेकंड में कौन पूरी कर पाएगा? जिला स्तरीय धावक होगा, वो भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन बेचारों को 10-15 साल हो गए हैं काम करते हुए, जो ओवर एज होने हो गए हैं, जो शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए, आप उनको निकाल के बाहर करना चाहते हो? नहीं तो एक फोर्थ क्लास की भर्ती में जो है 15 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ करने का क्या तुक है पूरा करने का? और एक जो बड़ी बात है कि जहां कोऑपरेटिव बैंक है वो ऑलरेडी घाटे में चल रहे हैं, एनपीए है बैंक, तो ऐसे में फोर्थ क्लास की स्टाफ अलग से रखने का क्या तुक है? आप कोई भी बैंक उठा के देख लो, कई बैंक है, बगल में सहकारी बैंक है और बगल में स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक में आपको एक चपरासी मिलेगा, सहकारी बैंक में आपको चार चार चपरासी मिलेंगे। सीधे सीधे बैंक को डुबोने की साजिश है कि भाई सहकारी बैंक है और सरकार के पास है, सरकार का हस्तक्षेप है, तो अपने चहेतों को भरो, बैंक डूबता है तो डूबे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उन्होंने ऐसी हरकतों से डुबाया अपना। तो ये हमारा कहना है कि भैया जो लोग पहले से ही संविदा पे या आउटसोर्सिंग पे तैनात हैं, फोर्थ क्लास की तो नौकरी है, फोर्थ क्लास में आपको क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए? तो हमारा कहना है उत्तराखंड क्रांति दल का कि उनके हितों के साथ छेड़छाड़ न की जाए, उन्हें निकाल के बाहर न किया जाए। अगर ऐसा हुआ और ये भर्ती घोटाला हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल इसके खिलाफ सीधे सीधे आंदोलन करेगा। हम किसी भी दशा में उन्हें नियुक्ति से बाहर नहीं होने देंगे। और इस तरीके की जो धांधलियां चल रही हैं, इसके लिए यहां तक हो गया है कि एक देहरादून की जो स्टेट बैंक, देहरादून के जो कोऑपरेटिव बैंक के जो मैनेजर हैं, सचिव हैं, उनको जो है टिहरी का भी चार्ज दे दिया है। और टिहरी में ये पहले भी रहे हैं, तो टिहरी का एक चार्ज और एक चार्ज देहरादून का एक साथ दोनों कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब सीधे सीधे आपकी मनसा खराब है। कोई और सक्षम अधिकारी नहीं है कि आप वहाँ मैनेजर बना के भेज सको, किसी को सचिव बना के भेज सको। और पहले भी सहकारी बैंकों में ऐसे पदों पर नियुक्तियों की धांधलियों के सवाल उठते रहे हैं। उत्तरकाशी में जो नियुक्तियाँ थी पिछले साल कैंसिल हो गई थी इसी बेस पे, और पैसे लेके भर्तियों के तमाम मामले पहले भी हैं इन पदों पे, और ये दोबारा से इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो हमारा कहना है उत्तराखंड क्रांति दल का कि इस निर्णय को काल वापस लिया जाए, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल फिर इन नियुक्तियों पर आंदोलन करेगा। बड़ी रकम, लगभग 9-9 लाख रुपये जो है लेने की बात सामने आ रही है एक एक पद पर।